शासन व प्रशासन द्वारा स्पष्ट ऑपरेशन त्यौहार व नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, उसी अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों का अंकुश लगाने के लिए तस्करों को पकड़ने के लिए मैं दे दूंगा आपको यार। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर शिवदयाल सिंह के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई थी। उक्त टीम के द्वारा कल करीबन रात को 7 बजे मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि सिया घाट के नीचे एक ढाबे के पास, बिंदचा ढाबे के पास, एक लड़का काले बैग में करीबन कुछ गांजा है उसके पास, जो बेचने के लिए जा रहा है। उक्त सूचना पर से थाना प्रभारी व उप निरीक्षक महेंद्र सिंह गौड़ व थाना कन्नौज के समस्त जो भी उपस्थित स्टाफ थे, ये लोग वहां मौके पर पहुंचे हैं और पहुंचकर देखा कि बिंदचल ढाबे के पास में एक व्यक्ति खड़ा था, जिसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम राकेश पता कालू बारेला, उम्र 20 साल, निवासी हसिया खेड़ी, थाना कांटा फोड़ का उन्होंने बताया। जब पंचानों के समक्ष उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से अवैध 4 किलो 970 ग्राम अवैध गांजा मिला, जो ग्राहक की तलाश में वहाँ खड़ा हुआ था, उसको बेचने की फिराक में जा रहा था। उसको विधिवत धारा 8/20 NDPS एक्ट में जब्त किया गया, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। थाना कन्नौज में आरोपी के विरुद्ध धारा 470/20 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इस सराहनीय कार्य के लिए सूचना संकलन क्राइम ब्रांच के उपनिरीक्षक संतोष बघेला एवं उसकी टीम की भी विशेष भूमिका रही है, एवं थाना प्रभारी व उनके थाना कन्नौज के स्टाफ की भी विशेष भूमिका रही है। जो ये अभियान नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, इसमें काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त की है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने